आपके सामने अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट है और अभी हम अटेंडेंस शीट बनाएंगे। इसी तरह फॉर्मेट आप बना लीजिएगा। अब हमको सबसे पहले टोटल डेज निकालने हैं। कैसे कर निकालेंगे? कोई भी फार्मूला एक्सेल में आपको पहले बताया था मैंने, इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखेंगे हम काउंटा, सी ओ यू एन, आप देख रहे हैं नीचे काउंटा लिखा आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे और टैब दबाएंगे। टैब दबाएंगे, ब्रैकेट लग जाएगा। अब हमको जितने टोटल डेज हैं सारे सेलेक्ट करने हैं, जहाँ तक कि अटेंडेंस है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपने देखा 20 डेज हैं टोटल, तो 20 आ गए यहाँ पर। अब एक्सेल में हम फार्मूला एक ही बार लगाते हैं, ये प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ या तो डबल क्लिक करेंगे या ड्रैग करेंगे। डबल क्लिक करके देख लेते हैं। डबल क्लिक करते ही सबका आ गया 20 डेज। अब हमको एब्सेंट निकालना है। इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला लगेगा काउंट इफ का, सी ओ काउंट इफ हाईलाइट हो रहा है, टैब दबाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से हमको सारा पूरे जो डेज अटेंडेंस के हैं वो सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर हमको कॉमा लगाना है, और इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि एब्सेंट की जगह हमने ए मार्क किया हुआ है अपनी अटेंडेंस शीट में, तो हम यहाँ ए लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आपने देखा कि यहाँ ये देखिए अटेंडेंस में ए कितनी जगह है, ए एक दो तीन, तो यहाँ तीन आ गया। अब फार्मूला, क्योंकि हमको एक ही बार लगाना होता है, यहाँ प्लस का निशान आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे तो जिस जिसकी एब्सेंट है जितनी जितनी है वो अपने आप आ जाएगा। आप इसको चेक करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इज इक्वल टू लीव के लिए काउंट इफ, काउंट इफ सेलेक्ट ब्लू से हो रहा है, टैब दबाएंगे। जितने डेज की अटेंडेंस निकालनी उतने ही करेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ लीव है, तो लीव की जगह हमने एल यूज़ किया है, तो एल लगाएंगे यहाँ पर। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब पहले जो एम्प्लॉई है उसका कोई लीव नहीं लिया उसने, और जिस जिसने लीव लिया उसकी यहाँ पर डिटेल आ गई। अब हम हाफ डे देख लेते हैं। इज इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ आ रहा है, टैब दबाएंगे, इस तरह सेलेक्ट करेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में एच, हाफ डे की जगह एच डी लिखा है, तो यहाँ एच डी लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज, डबल क्लिक करेंगे तो हाफ डे जो होगा वो आ जाएगा। ऑफ डे, ऑफ डे का मतलब होता है कि कोई भी छुट्टी होती है, जैसे संडे की ऑफ डे होता है या कोई और फेस्टिवल है तो उसको लेते हैं। इज इक्वल टू काउंट इफ, टैब दबाएंगे आप, सेलेक्ट करेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में ऑफ डे की जगह ओ डबल एफ लिखा, तो यहाँ भी ओ डबल एफ लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ऑफ अगर हमारी तीन आ रही हैं
सबकी तीन ही आएंगी। प्रेजेंट में फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ टैब दबाएंगे, को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्रेजेंट किया, पी लिखा था यहाँ पी लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पी ब्रैकेट क्लोज। अब आपको मालूम है कि संडे की ऑफ होता है लेकिन संडे के पैसे मिलते हैं, तो यहाँ हम ऑफ का फार्मूला भी लगाएंगे प्लस करके, प्लस के बाद काउंट इफ टैब दबाएंगे, दोबारा से सेलेक्ट करेंगे इसको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ओ डबल एफ ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये प्रेजेंट और ऑफ दोनों मिला के ये टोटल प्रेजेंट आ गया। आप देख सकते हैं 20 हमारे डेज हैं और 3 17 और 3 20, तो बिल्कुल ठीक आ गया। तो इस तरह से आपको ये अटेंडेंस शीट बनानी है। अब इसको अगर आपको बॉर्डर देना है, ऑल बॉर्डर को क्लिक करेंगे, इस तरह से आपकी अटेंडेंस शीट बनेगी। इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए, प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय।